Hello everyone, welcome to Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Hisar. Myself, Dr. Vipula. Today's topic of discussion is dental crowns. Dental crowns क्या होते हैं? Dental crowns एक ऐसा restorative procedure है जिसके अंदर हम दांत के form और function को restore करते हैं. अब dental crowns की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है? Dental crowns की ज़रूरत सबसे पहले most commonly जिस दांत में कीड़ा लग जाता है उसका structure loss हो जाता है और उस structure को दोबारा से reform करने के लिए dental crowns देने पड़ती हैं. सेकेंड जो डेंटल क्राउन्स की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे होती है जहाँ पे दांत टेढ़ी मेढ़े हैं और हम उनको तारों की हेल्प से सीधा नहीं कर सकते या फिर हमारी एज और सिस्टमिक डिजीजेस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें सिर्फ उस सिंगल क्राउन को ही सीधा करना है तो हम वहाँ डेंटल क्राउन्स देते हैं. थर्ड पॉइंट जहाँ पे हमें डेंटल क्राउन्स देने होते हैं वो है एस्थेटिक रीजंस, जैसे कि आगे के दांत जिन लोगों के फ्लोरोसिस है या फिर पीले पड़ गए हैं या फिर उनका साइज उन्हें पसंद नहीं है, शेप पसंद नहीं है, उसको हम रिप्लेस करने के लिए विनियर्स या क्राउन्स देते हैं. फोर्थ कंडीशन जिसमें हम डेंटल क्राउन्स प्रोवाइड करते हैं वो है इम्प्लांट रिटेन्ड क्राउन. जहाँ हमने हड्डी में इम्प्लांट डाला है और वहाँ पे हमें एक सिंगल टूथ को रिप्लेस करना है वहाँ हम इम्प्लांट रिटेन्ड क्राउन्स देते हैं. अब सवाल आता है कि डेंटल क्राउन्स कौन सा लगवाएं. डेंटल क्राउन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं. जो सबसे पुराने डेंटल क्राउन्स हैं वो मेटल के डेंटल क्राउन्स होते थे. उनकी क्या डिसएडवांटेज होती थी कि वो देखने में बिल्कुल भी एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते थे. उनका रंग काले रंग का होता था इसलिए वो क्राउन्स अब नहीं लगाए जाते. अब जो क्राउन्स लगते हैं वो लगते हैं या तो PFM पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल या फिर ऑल सिरामिक क्राउन्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड. आजकल जो मेजरली डेंटल क्राउन्स दिए जाते हैं वो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल और सिरामिक क्राउन्स दिए जाते हैं. इनकी एडवांटेज होती है कि ये एस्थेटिकली मेटल क्राउन्स से बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. अब पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल और ऑल सिरामिक में क्या डिफरेंस होता है? पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल जो क्राउन होता है उसके अंदर नीचे मेटल लगा होता है और ऊपर सिरामिक की लेयरिंग होती है जिस वजह से वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं और एस्थेटिकली ऑल सिरामिक क्राउन से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी में रहते हैं. जो ऑल सिरामिक क्राउन्स हैं वो इसी डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए बनाए गए हैं जिसके अंदर कोई मेटल की लेयर नहीं होती है जिस वजह से वो बहुत लाइट वेट होते हैं. सेकेंडली उनका कलर करेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिसकी वजह से वो एस्थेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं और एंटीरियर टूथ एंटीरियर मतलब आगे के दांतों में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. जो आगे के दांतों में लेमिनेट्स और विनियर्स लगाए जाते हैं उसके अंदर भी यही यूज़ किया जाता है विकोनिया और ईमैक्स क्राउन्स जो कि सिर्फ सिरामिक क्राउन्स हैं, इसमें मेटल यूज़ नहीं होता. डेंटल क्राउन्स लगाने के प्रोसीजर के अंदर दो सेटिंग के अंदर ये क्राउन्स लगाए जाते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट सेटिंग के अंदर क्राउन्स की प्रिपरेशन होगी. प्रिपरेशन होने के बाद उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा, उस इम्प्रेशन को लैब में भेजा जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड अगर नीड होगी तो ट्रायल किया जाएगा, अदरवाइज वन सेटिंग के अंदर ही क्राउन आपको डिलीवर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि ये क्राउन कितना लंबा चलेगा. ये डिपेंड करता है कि आप उसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो. अगर आप दांत की केयर और मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो सालों साल चलता है. इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, रेगुलर डेंटल विजिट्स में आपको रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ेंगे जिससे ये पता चलता रहे कि उस दांत के आसपास जो बोन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन कोई सूजन कोई पस नहीं बनी हुई है. सेकेंडली आपको ये चेक कराना पड़ेगा कि कोई फूड लॉजमेंट वहाँ पे तो नहीं हो रही है जहाँ पे आपने क्राउन लगाया है. थर्ड आपको अपने मसूड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई डिपॉजिट्स हैं तो उसका रेगुलर ओरल प्रोफाइलेक्सिस यानी स्केलिंग कराना पड़ेगा.